सब्सक्राइब कीजिए सास बहू रेसिपीज को, क्योंकि ये सबसे अलग है। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन ऑथेंटिक रेसिपीज, हाई क्वालिटी वीडियोस, क्रिस्टल क्लियर साउंड, आसान तरीके से समझाए हुए रेसिपीज, हर रेसिपी के साथ इंग्रेडिएंट की लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय एवरीवन, सास बहू रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मजेदार स्नैक, और वो है स्वीट कॉर्न कटलेट विद अ हेल्दी ट्विस्ट। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। स्वीट कॉर्न कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून तेल, 2 बॉईल और मैश किए हुए आलू, 1 कप स्वीट कॉर्न, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल और हरी शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/2 कप ओट्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, और हरा धनिया। अब रेसिपी शुरू करने से पहले यहाँ जो हमने स्वीट कॉर्न लिया है, इसे हम दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि कॉर्न जूसी और मॉइस्ट होता है, इसे हमें दरदरा पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम इसे दरदरा पीस लेंगे। हमने स्वीट कॉर्न को दरदरा पीस लिया है, तो यहाँ हम एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारा कॉर्न। अब एक के बाद एक हम सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। आगे इसमें जाएंगे बॉईल और मैश किए हुए आलू और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब आगे हम डालेंगे रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और बारीक कटी हुई प्याज। ये तीनों चीज़ें हमने तकरीबन 1-1 टेबलस्पून ऐड की है। अब डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, ये हम सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। आगे इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स मॉइस्चर कंटेंट को कम करेगा। अब डालेंगे हमारे मसाले, तो सबसे पहले जाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे काला नमक, इससे एक टैंगी फ्लेवर आएगा। अब आगे इसमें जाएगा चाट मसाला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है नमक, तो नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। और आखिरी में ऐड करेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमने सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सभी मसालों को कॉर्न और आलू के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जब ये प्रॉपरली मिक्स होंगे, तभी इन सभी मसालों का अच्छे से फ्लेवर आएगा। तो अब ये प्रॉपरली मिक्स हो चुके हैं और अब बारी है हमारे कटलेट्स बनाने की। तो एक छोटा पोर्शन लेंगे हथेली पर और इस तरह हम छोटे छोटे कटलेट्स बनाएंगे। इसी तरह हमें हमारे पूरे बैटर के छोटे छोटे राउंड शेप के कटलेट्स बनाने हैं। अब कटलेट्स बनाने के बाद एक प्लेट में लेंगे हम ओट्स और इन्हें स्प्रेड कर देंगे। आगे इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना मैदा, और आगे इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक
और तकरीबन हाफ टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे कटलेट्स मॉइस्ट है, इसलिए ये अच्छे से स्टिक भी होगा। तो हम इन ओट्स से सभी साइड से हमारे कटलेट्स को कोट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये स्टिक हो रहा है। इसी तरह सभी कटलेट्स को हम ओट्स से कवर कर लेंगे। यहाँ हमने ओट्स यूज किए हैं जो एक हेल्दी ट्विस्ट है और जो फाइबर से भरपूर है। अब बारी है हमारे कटलेट्स को शैलो फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना तेल। तो ये मैंने तेल डाल दिया है। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे कटलेट्स। अब एक एक करके हम 4 से 5 कटलेट्स तेल में डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम हमारे कटलेट्स को लाइट गोल्डन शेड आने तक शैलो फ्राई करेंगे। हमारे कटलेट्स अब एक साइड से लाइट गोल्डन शेड के हो चुके हैं, तो सभी कटलेट्स को हम संभाल कर टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन शेड आने तक पकाएंगे। अब हमारे कटलेट्स दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारे मजेदार स्वीट कॉर्न कटलेट्स तैयार है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।